हमारे यहाँ ना लोगों के बड़े गहरे गहरे लोगों से रिश्ते होते हैं, ताल्लुकात होते हैं, दोस्तियाँ होती हैं, कारोबार में शराकत होती है, आना जाना इकट्ठा होता है, असफार इकट्ठे होते हैं। लेकिन अगर एक शख्स उनमें से डूबने लगता है ना, कहीं माली तौर पर कहीं उलझ गया है, कर्जे चढ़ गए हैं, हालात खराब हो गए हैं, नुकसान आ गया, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर लोग उसका नंबर ब्लॉक करना शुरू करते हैं, फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता दायरे से निकालना शुरू करते हैं, फिर करीबी लोग अखबारात में भी इश्तिहार देते हैं कि मेरा कोई ताल्लुक। और अल्लाह ताला हमें माफ करे, ऐसे भी लोग देखे कि पहले वो पीर साहब का मंजूर नजर था, आस्थाने पे झाड़ू देता था, सुबह शाम वहीं होता था, और जब किसी कर्जे में उलझ गया तो पीर साहब कहते हैं उसका जाती मामला। तो जनाब जब आप ड्यूटी ले रहे थे फिर जाती मामला नहीं था, ये फलाना उसका अपना जाती फेल है जी, मेरा इससे को लेना देना नहीं है। वो खुदा के बंदे जब सुबह शाम दुख सुख हर चीज तेरे साथ वाबस्ता थी, और अब जबकि थोड़े मुश्किल हालात आए हैं, वो तेरी आंख हो या संगे मलामत की चुभन, कौन पहुंचा है मेरे दर्द की गहराई तक। दौरे शोहरत में तो यारों ने किया याद बहुत, पर साथ आया ना कोई कूचे रुसवाई तक। और मियां साहब कहने लगे, सारी उम्र ही आटा गुंदा है, लखा कीते नहीं पेड़े, अब वक्त आया ही ते मोहम्मद बख्शा कोई नहीं हूं बैठा नेड़े। वो सारे हट गए, छोड़ गए, आहिस्ता आहिस्ता बिखरने शुरू हो गए, नहीं नहीं हमारा नहीं ताल्लुक, वो जी उसके मसले हैं जी, मैं नहीं इस पे आता।